नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष सीएससी इन्फो पर। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एमडीयू डिस्टेंस के एडमिशन के बारे में, क्लासेस के बारे में, बुक्स आपको कब मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, तो पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके एडमिशन में और एडमिशन के बाद भी काफी हेल्प करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सारी डिटेल्स आपको प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आज प्रोस्पेक्टस को देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फीस की, तो देखिए फीस ने आप सबको पता होगा, आप सबने देखा होगा फीस के बारे में, क्योंकि सभी को यहाँ पे फीस पे करनी होगी। तो देखिए फीस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपकी फीस है, ये फीस है फ्रेशर्स की। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करता है फर्स्ट ईयर के लिए तो उसकी फीस ये है। यहाँ पे आप बीए की, बीकॉम की, उसके अलावा एमए की जितने भी कोर्सेज हैं, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म है, तो सारे कोर्सेज की फीस आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये आपकी एनुअल फीस है, ठीक है, ये वाली एनुअल फीस है, ये वाली, ठीक है, ये फीस आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अगर हम बात करें फर्स्ट या सेकेंड ईयर की, या फिर हम बात करें थर्ड ईयर की, तो ये आपकी फीस है फर्स्ट की। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड की, तो ये आपकी सेकेंड ईयर की फीस है। जैसे बीए सेकेंड ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी फीस ये है। बीए थर्ड ईयर की फीस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी फीस ये है। तो फीस का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है इस साल का। नेक्स्ट ईयर जो स्ट्रक्चर आएगा वो हो सकता है थोड़ा चेंज हो, इस साल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो फीस की यहाँ पे बात हो गई है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी प्लानर की, पूरे साल का क्या प्लान है, राइट। तो ये है आपका एक्टिविटी प्लान, मैं इसको पूरा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए एडमिशन जो है आपके अगस्त और अक्टूबर में है, ठीक है, एडमिशन है, वो चलेंगे 3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SLM, SLM मींस होता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ठीक है, मतलब बुक्स। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बुक्स आपको कब मिलेंगी, वो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे आपको अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर में। अब यहां से कहां से मिलेंगे आपको बुक्स, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखिए यहां पे आपको लिखा हुआ है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस कैंप, मतलब SSSC कैंप। ये आपको क्या होता था, लास्ट ईयर तक जब फॉर्म फिल होते थे तो उसमें ये आपको सिलेक्ट करना होता था अपनी प्रोफाइल में ही। इस साल वो ऑप्शन हटा दिया है, अब आपको खुद यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से देगा, पहले आप खुद इसको सिलेक्ट कर सकते थे। स्पोर्ट्स सर्विस कैंप का मतलब होता है भाई वो कॉलेज जहां पे आपको बुक्स मिलेंगी, जहां पे आपकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है। तो ये आपके नवंबर और दिसंबर में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट जो होंगे, जो आपके असाइनमेंट वगैरह जो जमा होंगे वो भी आपके इसी कॉलेज में होंगे। असाइनमेंट जो होंगे वो होंगे आपके नवंबर या दिसंबर में। उसका जो रिजल्ट वगैरह होगा, वो आपका जो वैल्यूएशन होगा उसका, वो दिसंबर में हो जाएगा। उसके बाद जो आपके एग्जाम होंगे, मेन जो पॉइंट है एग्जाम का, वो एग्जाम होंगे आपके दिसंबर और जनवरी में, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फरवरी या मार्च में। थोड़ा ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इन्हीं मंथ में आपका जो है सारे काम हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्विस कैंप की, उन कॉलेजेस की जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, तो देखिए उसके जस्ट नीचे अब यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे जनवरी के शेड्यूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम जुलाई की बात कर लेते हैं, जनवरी की बात हम बाद में करेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे कॉलेजेस की, तो देखिए यहाँ पे नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज भी मिल जाएंगे जो आपके स्पोर्ट्स सर्विस कैंप के कॉलेज है, राइट। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन जो कॉलेज है आपके वो है गौर ब्राह्मण डिग्री कॉलेज, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बहादुरगढ़, DPG डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज महम, साउथ पॉइंट डिग्री कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, सैनी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। ये कॉलेज हैं आपके अंडर ग्रेजुएशन के, यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे आपके क्लासेस वगैरह लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज की, तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की कॉलेजेस है वो मोस्टली यहाँ पे डिपार्टमेंट ही होते हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, तो जब इनकी क्लासेज जो है वो यहीं पे लगती है, बुक्स जो है वो आपको यहीं पे मिलती है, आपको किसी कॉलेज वगैरह में जाने की जरूरत नहीं होती, कैंपस में ही आपको बुक्स मिलती हैं, वहीं पे आपकी क्लासेस लगती हैं, प्रैक्टिकल वगैरह, असाइनमेंट वगैरह सब आपके यहीं पे होते हैं। एग्जाम हो सकता है आपके कॉलेजेस अलग अलग आपको दे दिए जाए, आपके नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें आपका सेंटर मिल जाए आपको, लेकिन बुक्स वगैरह वो आपको यहीं से मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से ये भी देख लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एमडी यूनिवर्सिटी मतलब महेश्वरी दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमकॉम वगैरह की जितनी भी बुक्स होंगी सब आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। अब ये देखिए यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ये क्यों लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी ली है, एमए हिंदी कर रहे हो, एमए संस्कृत कर रहे हो, एमए इंग्लिश कर रहे हो, तो ये डिपार्टमेंट जो है आपको उसी के बेसिस पे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी कर रहे हो, एमए हिंदी से आप ले रखा है अपने एडमिशन, तो जो भी बुक्स मिलेंगे, असाइनमेंट वगैरह होंगे, वो होंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में आपके, ठीक है।
बाकी अगर कुछ चेंज आता है तो उसका नोटिस वगैरह आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन से अगर कुछ आता है तो अलग से। फिलहाल जो डिटेल्स हैं, जो अपडेट्स हैं, वो ये है। सो आई होप कि आपको कंफर्म हो गया होगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एडमिशन आपके अभी चले हुए हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने आपके एग्जाम चलेंगे, तो 3 महीने आपको ना तो बुक्स मिलेंगी ना ही कोई अलग से अपडेट आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई आपकी क्लासेस कब लगेगी, बुक्स कब मिलेंगी, स्पोर्ट्स सर्विस कैंप या SSC कैंप आपको कब मिलेगा, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आएगा जब तक लास्ट डेट एग्जाम की या फॉर्म की नहीं चली जाती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SLM आपकी मैंने बुक्स आपको मिलेंगी अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के लास्ट वीक्स में आई थिंक आपको बुक्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बुक्स आपको कैसे मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जब भी बुक्स लेने जाओगे किसी भी कॉलेज में, जो भी मैंने अभी कॉलेज बताए थे, उन कॉलेजेस में आप जाओगे बुक्स लेने, ठीक है, वहां पे आपको अपना फॉर्म दिखाना होगा, जो आपका प्रिंट आउट है फॉर्म का वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपको एंट्री की जाएगी, आपकी एंट्री होगी, आपका नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह लिखी जाएंगी, और जो भी आपका कोर्स है जैसे मान लें BA BCOM जो भी आपका कोर्स है वो आपको जितनी भी बुक्स होंगी वो सारी बुक्स आपको वहां से मिल जाएंगी। कोई भी आपको अदर चार्ज वहां पे नहीं देना होगा, जो भी बुक्स की फीस होती है वो आपकी इंक्लूड होती है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस में, 3,500 के करीब आपकी फीस होती है इंक्लूड बुक्स की, तो बुक्स आपको वहीं से मिल जाएंगी, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज वहीं पर नहीं देना होगा, ठीक है। उसके अलावा SSC कैंप का मैंने आपको बता दिया, स्पोर्ट्स सर्विस कैंप का लास्ट ईयर तक ये सिलेक्ट होता था, अब ऐसा चांस आपके पास नहीं है, अब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। हो सकता है बाद में अपडेट कर दिया जाए कि भैया आप अपना स्पोर्ट्स सर्विस कैंप चूज कर सकते हो, तो जैसे वो ऑप्शन आता है तो उसके लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। लास्ट ईयर भी स्टार्टिंग में नहीं आया था, बाद में ही आया था प्रोफाइल में, तो हो सकता है इस बार भी बाद में आए, तो जैसे ही आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई अपना स्पोर्ट्स सर्विस कैंप आप चूज कर लो। उसके बाद असाइनमेंट होंगे आपके नवंबर दिसंबर में, उसके बाद आपका एग्जाम होंगे दिसंबर और जनवरी में। एग्जाम के लिए देखिए सेमेस्टर सिस्टम की बार सिस्टम कर दिया है, पिछली बार भी था वैसे, उससे पहले जो एनुअल मोड था, अब सेमेस्टर सिस्टम इन्होंने कर दिया है, तो सेमेस्टर सिस्टम में आपको एग्जाम देने होंगे, एग्जाम आपके दिसंबर जनवरी में होंगे, और जो उसका रिजल्ट है वो फरवरी मार्च में आ जाएगा। हो सकता है फरवरी में ना कि मार्च में आ जाए, लेकिन उससे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके जो एडमिशन होंगे वो आपके टाइम टू टाइम होते रहेंगे, आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो, तो ऐसा पूरा शेड्यूल रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई आपको क्वेरी आती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फॉलो करके वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हो, वहां भी आपकी क्वेरी जो है सोल्व कर दी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।